जीएस न्यूज परिवार की ओर से आप सबों को नव वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीएस न्यूज पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के जनवरी माह के आज का पहला सवाल, हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग हैं? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जवाब देने के बाद अपना स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित कर लें। महाक की समाप्ति व प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद स्क्रीनशॉट भेजकर आप उपहार प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले न्यूज नोटिफिकेशन तुरंत। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। सब कुछ ठीक रहा तो नौगछिया के लिए ऐतिहासिक होगा 2021। वर्ष 2020 अपना बोरिया बिस्तर समेट चुका है। सूरज की पहली किरण के साथ हम लोग वर्ष 2021 में खड़े हैं। 2020 की कड़वी यादों को दरकिनार कर 2021 में अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह नववर्ष नौगछिया के लिए कई मायने में ऐतिहासिक होने वाला है। आइए नजर डालते हैं नववर्ष की उम्मीदों पर एक नज़र। पिछले वर्ष नौगछिया जिला बनते बनते रह गया। इस वक्त लोगों को उम्मीद है कि नौगछिया को पूर्ण जिला का दर्जा दिलवाया जाएगा। बिहपुर के अनुमंडल बनने और ढोलबज्जा को प्रखंड बनने की है उम्मीद। बिहपुर के जयरामपुर गांव के गुआरी डी में राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन क्षेत्र बनने की उम्मीद। नौगछिया शहर के पूर्वी रेलवे केबिन पर अर्ध निर्मित ओवर ब्रिज का कार्य पूरा हो जाने की उम्मीद। नौगछिया अनुमंडल के विभिन्न जगहों पर करोड़ों की योजनाओं से एक बार फिर होगा कटाव निरोधी कार्य। लोगों को बाढ़ कटाव से मुक्ति मिलने की उम्मीद। नौगछिया शहर में आज से लागू हो रही नई ट्रैफिक व्यवस्था से लोगों को जाम से निजात मिलने की उम्मीद। लत्तीपुर से नारायणपुर गंगा नदी के बांध पर सड़क बनाने के लिए मिली है मंजूरी। सड़क बनने के बाद बाढ़ और कटाव से मुक्त होगी बड़ी आबादी। साथ ही नारायणपुर और बिहपुर प्रखंड को मिलेगा एक शॉर्टकट सड़क। जहानवी चौक से इस्माइलपुर तक रिंग बांध का कार्य इस वर्ष हो सकता है पूरा। प्रत्येक वर्ष इस्माइलपुर के लोगों को नहीं करना पड़ेगा बाढ़ का सामना। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। बोले भागलपुर जिलाधिकारी, कोरोना के कहर में बीता है 2020, संक्रमण से मुक्ति दिलाएगा नया साल 2021। 31 दिसंबर यानी वर्ष 2020 का आखिरी दिन था। वहीं नए साल के आगाज को लेकर लोग पूरी तरह तैयार थे। वैसे 2020 बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा। साल के आखिरी दिनों तक कोरोना संक्रमण का दहशत कायम रहा, लेकिन ऐसे विकट समय में भी लोगों ने अपनी निर्भीकता और समझदारी दिखाई। उक्त बातें भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार प्रेस वार्ता के दौरान कह रहे थे। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि वर्ष 2020 का आगाज होने के बाद ही कोरोना संक्रमण के दहशत से लोगों का सामना हुआ और लोगों ने अपनी समझदारी और सजगता से इसका डटकर सामना किया। वहीं डीएम प्रणव कुमार सबों को नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया साल हर किसी के जीवन में खुशियां दिलाए और वर्ष 2021 में हर किसी को संक्रमण से मुक्ति मिलने की प्रबल संभावना है। बढ़िया साल एक तरह से बीता, हालांकि कोरोना की अभूतपूर्व और अदृश्य चुनौती काफी थी। इस पूरी चुनौती में सभी लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया। ऐसी चुनौतियां थी जिसको कभी ना तो किसी ने देखा था और ना कभी अपेक्षा या प्रत्याशित नहीं था। ऐसी कई चुनौतियां हम लोगों के सामने आई। लॉकडाउन, क्रमिक लॉकडाउन, लॉकडाउन कहना ठीक नहीं रहेगा, लॉकडाउन, फिर 15 दिन बाद फिर लॉकडाउन,
लॉकडाउन से उत्पन्न इतनी जबरदस्त की चुनौतियाँ, खाने पीने की व्यवस्था सही रहनी चाहिए, लोगों को गंतव्य तक जाना है वो व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए, उसी बीच कोरोना से पीड़ित बीमारों की किस तरह से सेवा की जाए, गैर कोरोना से पीड़ित बीमारों की किस तरह से सेवा की जाए, ये सारी बहुत अभूतपूर्व और अदृष्ट, जिसको कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसी चुनौतियां सामने आई, लेकिन आप सभी लोगों के सहयोग से इन चुनौतियों को हम लोगों ने सामना किया और सभी लोग जो फ्रंट रनर थे, चाहे मीडिया कर्मी हों, चाहे प्रशासन हों, पुलिस हों, इन सभी लोगों ने स्वयं के संक्रमित हो जाने के खतरे के बावजूद काफ़ी मेहनत की। तो 2020 इस चुनौतियों का सामना डट कर करने के लिए हम लोग अपने आप को साधुवाद देना चाहेंगे, आप सभी लोगों को देना चाहेंगे कि आप लोगों ने डट कर सामना किया है, इस पूरे भागलपुर जिले ने डट कर सामना किया और काफ़ी हद तक हम लोगों ने कोरोना के संक्रमण को रोकने में सफलता हासिल की है। तो 2020 तो बेसिकली चुनौतियों का वर्ष था, एक अभूतपूर्व वर्ष रहा जो कि फ्यूचर में काफ़ी दिनों तक याद किया जाएगा। 2021 के लिए आप लोगों को अग्रिम मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोरोना से बिल्कुल हम लोग मुक्त हो करके टीका के माध्यम से अदरवाइज संक्रमण समाप्त करके नए जो विकास में कहीं भी हर्डल्स रहे होंगे उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये भी एक योजना तैयार की गई जिसको विभाग में समर्पित कर दिया गया है। तो दो योजनाएँ रहेंगी बेसिकली, एक तो टीले के आसपास कटाव को रोकने के लिए और दूसरी योजना रहेगी नदी जो कि पहले किसी मूलधारा कहीं और थी और आज के डेट में यहाँ बह रही है, वो लगभग करीब 4 किलोमीटर पीछे से बहेगी। तो वो आयोजना भी तैयार करके दी गई जिससे इस साइड में कम से कम 5,000 एकड़ के आसपास जमीन रिक्लेम होगी। तो और इसके अतिरिक्त जो पुरातत्व विभाग के सर्वेयर हैं, टीम हैं, वो लगातार वहाँ सर्वे का कार्य किए कर रहे हैं और काफ़ी पुरातन संस्कृति के सामने आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कौन लोग वैक्सीन देंगे, ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, फिर एक बार प्रोटोकॉल आ जाएगा तो उनको ट्रेनिंग हम लोग देंगे और उसके पश्चात जब टीका उका आ जाता है तो प्लान करेंगे कैसे करना है। प्रपोजल ऑलरेडी 10 मीटर करने का ये सरकार के द्वारा स्वीकृत है, जिसमें एजेंसी के चयन की प्रक्रिया की जा रही है। एजेंसी के चयन होने के बाद इस पर कार्य आरम्भ होगा। भागलपुर, महिला सिपाही ने बिना हेलमेट और मास्क के बाइक सवार युवती को रोका तो शुरू हो गया हाथापाई। देर शाम भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के आदमपुर चौक के समीप एक महिला सिपाही को बिना हेलमेट और बिना मास्क पहने बाइक सवार युवती को रोकना महंगा पड़ा और युवती ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही से हाथापाई करने के लिए तैयार हो गई, वहीं हाथापाई करते हुए गाड़ी लेकर भागने में सफल रही। ट्रैफिक पुलिस की महिला सिपाही का नाम नेहा कुमारी है, जो आदमपुर चौक पर ड्यूटी कर रही थी। घायल सिपाही को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि रेकाबगंज की रहने वाली बाइक सवार युवती सीमा को जब हेलमेट पहनने और मास्क लगाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी रोककर जुर्माना काटा जा रहा था, उसी के दरमियान यह घटना घटी है। महिला सिपाही के द्वारा जोगसर थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर, ट्रैफिक डीएसपी के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन। भागलपुर के सीनियर एसपी कार्यालय में ट्रैफिक डीएसपी रतन किशोर झा के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीनियर एसपी आशीष भारती, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी एएसपी पूरन कुमार झा, सर्जेंट मेजर के शर्मा सहित कई डीएसपी, थानेदार और पुलिस बल के जवान मौजूद थे। इस दौरान सीनियर एसपी सहित सभी आगंतुकों ने सेवानिवृत्त हो रहे ट्रैफिक डीएसपी को बुके देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सर्जेंट मेजर सह ट्रैफिक इंस्पेक्टर के शर्मा ने कहा कि उनके सेवा कार्य के दौरान उन सबों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज हम लोग पुलिस यातायात पुलिस उपाधीक्षक आर के झा सर के विदाई समारोह में हम लोग एकत्रित हैं, जिसमें हमारे बड़े पुलिस महोदय भी हैं और सभी कोई हम लोग उनके विदाई समारोह में आज शामिल हुए हैं और हम लोग भगवान से निवेदन करेंगे कि वो स्वस्थ रहें, स्वस्थ हैं और उनसे हम लोग को बहुत ही अनुभव भी कुछ प्राप्त हुआ है।
सर बहुत ही अच्छे आदमी थे और हम लोग हमेशा उनसे कुछ न कुछ सीखते ही रहेंगे। ठीक, नवगछिया श्याम बाबा के जयकारों के साथ श्याम भक्त महोत्सव का हुआ आगाज। पुराने साल की विदाई एवं नए साल के आगमन पर श्री श्याम भक्त मंडल के तत्वाधान में 31वां श्री श्याम महोत्सव स्थानीय मारवाड़ी विवाह भवन में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए इस बार यह महोत्सव का कार्यक्रम छोटे रूप में मारवाड़ी विवाह भवन में किया गया, जिसमें भजन गायक कोलकाता से नरेंद्र सोनी, अनुश्री शर्मा, अभिषेक दधीच के द्वारा न डिस्को जाएंगे न होटल जाएंगे, नया साल सावरिया तेरे दर पर मनाएंगे सहित कई अन्य भजनों पर भक्तों को खूब रिझाया। पंडाल की रूपरेखा बिहार टेंट नौगछिया द्वारा किया गया एवं फूलों की सजावट के लिए बंगाल के कारीगरों को लगाया गया था। रात्रि 12 बजे नए साल के आगमन पर बाबा को खूब रिझाया गया और आतिशबाजी भी हुई। कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव वरुण केजरीवाल, संतोष यादव का मीडिया प्रभारी अशोक केडिया, शंभू रुंगटा, अनिल केजरीवाल, शिव डोकनिया, रॉकी भरतिया, संदीप चिरानिया, रूपेश रुंगटा, शिव अग्रवाल, मनोज चौधरी, हनी केजरीवाल, केशव सराफ, अंशु देपुरिया, सौरभ रुंगटा, वेद प्रकाश मौंडिया सहित कई अन्य लगे हुए हैं। चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नारायणपुर से अपहृत बालक सूरज की सकुशल बरामदगी पर पुलिस अधिकारी के टीम को भवानीपुर ओपी में ग्रामीणों ने किया सम्मानित। नवगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर थाना परिसर में गुरुवार को ओपी क्षेत्र के नारायणपुर गांव से 25 दिसंबर की संध्या अमरजीत रजक के पुत्र सूरज कुमार का गांव के ही अपराधियों ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद अमरजीत रजक से मोबाइल पर अपराधियों ने 6 लाख की फिरौती मांगी थी। मोबाइल के आधार पर पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर 48 घंटे में सूरज को खगड़िया जिले के बंदेरा से सकुशल बरामद किया था। मामले में नारायणपुर के डीलर राजकिशोर पासवान के पुत्र राकेश कुमार रोशन उर्फ रॉकेट, नारायणपुर से अरुण पासवान के पुत्र सौरभ कुमार, गनौल से पवन यादव के पुत्र शिवम कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर सूरज के सकुशल बरामदगी के लिए नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्रा के निर्देश पर नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में गठित टीम में बीपुर सर्किल इंस्पेक्टर सहित कई अन्य को शामिल किया गया था। बताते चलें कि वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकुशल बरामदगी से खुश होकर ग्रामीणों ने टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी सहित एसडीपीओ के अंगरक्षक रोहित कुमार, सत्येंद्र कुमार और बीपुर सर्किल इंस्पेक्टर एसएन चौहान के अंगरक्षक निभाकर यादव, शंभू यादव सहित कई अन्य को सम्मानित किया है। हमको नियुक्त किया है, ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य। लेकिन इस कर्तव्य के सफलता के बाद बहुत लोग याद नहीं करते हैं, आप लोग याद किए, हम लोगों का सम्मान बढ़ाया। हमारे जो ये नौजवान है, बुजुर्ग तो हरदम हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं, हमको भी और अपने घर में भी अपने समाज में। सबसे ज्यादा मार्गदर्शन का जरूरत नौजवानों का होता है, इनको शिक्षा दिए जाने की जरूरत है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी घटना होती है, रोड जाम कर देते हैं, पुलिस पर कोई ना कोई आरोप लगा देते हैं, हमको काम करने में बाधा होता है। जितना देर आप लोग डिस्टर्ब करेंगे काम उतना ही दूर होता चला जाए। छोटा सा प्रकाश इस घटना पर हम देते हैं कि 25 आए हुए जितने भी ग्रामीण हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और इस टीम में जितने भी काम किए हैं, जैसे हमारे दिलीप सर,
एसडीपीओ साहब और हमारे भवानीपुर थाना प्रभारी नीरज कुमार और खड़ी थाना से पंकज सर और राजीव यादव और एक खगड़िया जिला पसराहा थाना से अमलेश कुमार, ये भी सारे बिहपुर से इंस्पेक्टर साहब एसन चौहान जी, हम सभी का आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जब मेरा बच्चा खोया था तो हमें ये होश नहीं था कि हम कहाँ हैं और कैसा हमारा, खासकर इसकी माँ को यह पता नहीं था कि हम जीवित हैं भी कि नहीं है और सभी रो रो के बुरा हाल थे। तो हम सर के पास आए, नीरज सर के पास, और बोले कि सर ऐसे ऐसे घटना हो गया 25 तारीख शाम को। तो बोलता है सर कि किसी से दुश्मनी, तो हमारा तो किसी से दुश्मनी नहीं है, बहुत बढ़िया है, भरोसा आप लोग करते भी हैं। आप लोगों में भी बहुत लोग अभी बोले हैं कि नहीं बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, और हम लोग को भी ये फील होते रहता है कि बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं। तो हम लोग को तो मालूम नहीं था कि ये जो अपराधी है इनके घर के बगल का है, लेकिन डर था कि किसी न किसी तरीके से अपराधियों के पास में बात जाएगी तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। अब आप उस मदर और फादर से बात करके हम बात करवाएंगे, उनसे पूछिए कि उनके ऊपर में क्या गुजरता होगा जब उनका बच्चा उनके पास नहीं था। हम लोगों को भी हरदम डर रहता था कि ऐसा नहीं बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। तो ये अपहरण का जो केस होता है बहुत ही कष्टदायक होता है। हमारे गलती से, आपके गलती से अगर बच्चे को नुकसान हो जाता तो आप लोग माफ नहीं करते हमको। हम लोग तो अपना पूरा 100% कोशिश करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपका गुस्सा सामने आ जाता, सब कुछ सामने आ जाता और हमको परेशान हो जाता। नवगछिया रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य को समारोह पूर्वक दी गई विदाई। इंटर स्तरीय रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय नवगछिया के अवकाश प्राप्त प्राचार्य सिंधिया मकनपुर निवासी बाल मुकुंद चौधरी को विद्यालय परिवार ने समारोह पूर्वक विदाई दी है। इस अवसर पर अवकाश प्राप्त प्राचार्य बाल मुकुंद चौधरी ने अपने विदाई समारोह में कहा कि अपने सेवा काल में उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से हमेशा बेहतर देने का प्रयास किया है। अब यह कम हो या ज्यादा आपके सामने है। श्री चौधरी ने संबोधन के क्रम में अपने सेवा काल से संदर्भित कुछ खट्टी मीठी यादों को भी लोगों के समक्ष साझा किया। इस क्रम में वे भावुक भी हो गए, जिसके कारण सभा में उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। इस अवसर पर एक वर्ष पहले अवकाश ग्रहण करने वाले डॉक्टर सत्य प्रकाश को भी भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष आनंद कुमार शाह उर्फ टुनटुन शाह, जिला परिषद सदस्य नंदनी सरकार, अख्तर आलम, अशोक भारतीय, जीना तारा, अखिलेश कुमार, विनोद कुमार, जलज, प्रगति पोद्दार सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। बाल मुकुंद चौधरी यहाँ सब सहायक शिक्षक के रूप में सबसे पहला योगदान अगस्त 2005 में किया। लगभग 15 वर्ष तक मैं यहाँ रहा। ऐसे तो सेवा मैंने 40 वर्षों तक किया, लेकिन सबसे अच्छा अनुभव यहाँ मेरा रहा, क्योंकि ये बालिकाओं का स्कूल है, यहाँ के अभिभावक बहुत अच्छे हैं, यहाँ के शिक्षक से हमको भरपूर सहयोग मिला, जिसके बदौलत हमको कभी भी यहाँ उद्वेलित नहीं होना पड़ा। मैं बहुत अच्छा से अपना समय काट लिया। आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही सुंदर महसूस कर रहा हूँ। 40 वर्षों के सेवा में आरंभ तो मैंने शाहकुंड से किया था। 30 अगस्त 1980 से मैंने अपना सेवा प्रारंभ किया। लगभग 16 वर्ष तक मैं शाहकुंड में रहा। शाहकुंड भी बहुत अच्छा जगह था, वहाँ का प्राकृतिक दृश्य, वहाँ का स्थानीय अभिभावकों का व्यवहार, छात्रों का व्यवहार, ये सब बहुत मुझे अच्छा लगा। उसके बाद स्थानांतरण का दौर आया और मैं स्थानांतरित होकर के करीब 8-9 वर्ष तक MRD हाई स्कूल बांका में रहा। बांका के बाद फिर जब मूल विद्यालय लौटने का अवसर आया तो मैं 2003 में मूल विद्यालय पुनः शाहकुंड लौट गया। और उसके बाद जब यहाँ स्थानांतरण हुआ तो 2008 से आज तक मैं यहाँ, पहले तो 2016 के मार्च तक मैं सहायक शिक्षक के पद पर रहा। उसके बाद 1/4/16 से आज तक मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर रहा और आज प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय में गणित के शिक्षक हूँ और इस विद्यालय में
आज 31/12/2020 को हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक बालमुकुंद श्री बालमुकुंद चौधरी जी आज सेवानिवृत्त हुए और उनका कार्यकाल जो रहा बहुत ही उत्तम रहा और वो हमारे इस विद्यालय में अपना बहुत ही ऐसा काम किया जिसके चलते हमारे सभी बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करने की काम की, अच्छा मार्गदर्शन दिया, सभी शिक्षकों के बीच उनका बहुत ही स्नेह और प्रेम बना रहा और हम आशा करते हैं कि भविष्य में वह दिया और बाती के रूप में वो काम करते रहें, हमारे विद्यालय में बीच बीच में आकर कर और अपना मार्गदर्शन देंगे। यह मैं उनके सेवानिवृत्ति के बाद भगवान से मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो, दीर्घायु हो। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नवगछिया थाना अध्यक्ष से किया औपचारिक मुलाकात। नवगछिया के नए थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार का अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी जेम्स फाइटर के नेतृत्व में शिष्टाचार मुलाकात कर थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी है। जेम्स फाइटर और गौतम यादव ने नवगछिया में बढ़ते अपराध पर विशेष बातचीत की है, जिस पर थाना अध्यक्ष ने हर संभव प्रयास हेतु बात कही और नवगछिया के शहरी क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था व अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर चर्चा की। मौके पर गौतम यादव, पिंटू यादव, सौरभ जायसवाल, डॉक्टर राजू सिंह, विकास कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। फुलबज्जा घोंसले से गिरे 4 गरुड़ को सुंदरवन ने साल भर इलाज के बाद कदवा लाकर छोड़ा। बीते एक साल पहले गरुड़ के प्रजनन स्थली कदवा में विभिन्न जगह घोंसलों से जमीन पर गिरे गरुड़ के 4 घायल बच्चों को सुंदरवन भागलपुर ले जाकर रखा गया था, जिसे साल भर तक वहां गरुड़ एक्सपर्ट व चिकित्सकों की देखभाल में रखे जाने के बाद पूरी तरह स्वस्थ होने पर गुरुवार की सुबह चारों गरुड़ को कदवा लाकर बालूघाट समीप कोसी धार में छोड़ दिया गया। मौके पर पक्षी विशेषज्ञ अरविंद मिश्रा, चिकित्सक डॉक्टर संजीत कुमार, सुब्रत सादानानी, नगीना राय व राजीव कुमार के साथ अन्य गरुड़ सेवियर मौजूद थे। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नवगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। नवगछिया 3 अलग अलग सड़क हादसे में 3 घायल। नवगछिया पुलिस जिला में हुए 3 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कदुआ के मिलन चौक के पास हुए सड़क हादसे में पूर्णिया जिले के रुपोली थाना क्षेत्र के लालगंज निवासी पंकज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। पंकज का प्राथमिक इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं नवगछिया NH 31 पर हुए सड़क हादसे में रंगरा के भवानीपुर गाँव निवासी मजर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। मजर यादव का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। इधर नवगछिया से खगड़िया कोट जा रहे नवगछिया GRP में कार्यरत सिपाही राजीव कुमार सिंह बिहपुर थाना क्षेत्र के शांति ढाबा के पास हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार राजीव की मोटरसाइकिल और विपरीत दिशा से आ रहे एक मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर हो गई, जिसके बाद राजीव गंभीर रूप से घायल हो गए। राजीव का इलाज नवगछिया के अनुमंडलीय अस्पताल में करवाया गया है। भाकपा माले ने एकता के सवाल पर स्टेशन परिसर नवगछिया के समक्ष दिया धरना। भाकपा माले ने झल्लू दासटोला में मृत युवती के जिंदा बरामद होने के मामले में नगरा पुलिस के खिलाफ नवगछिया स्टेशन परिसर में एक दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया। धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाकपा माले नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि पुलिस एकता को न्याय दिलाए और उसका अपहरण करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार करें। पुलिस यह भी पता करे कि 28 जुलाई को गंगा तट से बरामद सिरकटी लाश किसकी थी। भाकपा माले नेताओं का कहना है की लाश मिलने के बाद पुलिस ने आनन फानन में कह दिया कि सरकटी लाश नररी मंडल की बेटी की है। 5 माह के बाद एकता लौट कर आई तो यह बात साफ हो गई कि एकता की हत्या नहीं हुई है। भाकपा माले के नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि रंगरा थाने के प्रभारी झूठ बोलते हैं, उन्होंने DNA टेस्ट नहीं कराया था, सिर्फ खाना पूर्ति किया था।
नवगछिया, नववर्ष के मौके पर बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़ लगा जाम। नववर्ष की पूर्व संध्या पर नवगछिया अनुमंडल के कई प्रखंड सहित गोपालपुर प्रखंड के सुकटिया बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ के कारण जाम लग गया, जिससे वाहनों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताते चले कि गोपालपुर का सुकटिया बाजार की मुख्य सड़कों पर ही दुकान लगाए जाने के कारण जाम की स्थिति बराबर उत्पन्न हो जाती है। अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल ने बताया कि जल्द ही सड़क की मापी करवा कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। गुहान गुहान गुहान, नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। खुल गया, खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार, नियर वासंते नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513।